केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति मेरे साथ हैं। मैम, विपक्ष काले कपड़े में आज प्रोटेस्ट कर रहा है, कह रहा है उनकी बात नहीं सुनी जा रही, लोकतंत्र के लिए काला दिन है। विपक्ष सही मायने में बहस करना ही नहीं चाहता, बहस करेगा तो फिर बहुत दूर तक जाएगी आवाज़, फिर तो पश्चिम बंगाल भी आएगा, राजस्थान भी आएगा, छत्तीसगढ़ भी आएगा, केरल भी आएगा। इसीलिए विपक्ष बहस नहीं करना चाहता, सिर्फ विरोध करना चाहता है। और विपक्ष को मालूम है कि हमारी जड़ें उखड़ चुकी हैं, विपक्ष अभी 24 में आने वाला नहीं है, वही कारण है। पिछले भी आपने देखा होगा कि आखिरी 2 सत्र नहीं चलने दिए थे। ये पार्लियामेंट है जहां देश के लोगों का भाग्य बदला जाता है, बहस करनी चाहिए। वो कहते हैं कि चर्चा ही नहीं करते, मणिपुर गंभीर मसला है, आप प्रधानमंत्री चर्चा से भागते हैं। चर्चा करने दिए ना प्रधानमंत्री, गृहमंत्री जी का जिम्मेदारी है, गृहमंत्री का विभाग है। गृहमंत्री जी ने कहा मैं जितने घंटे चर्चा करना चाहे मैं तैयार हूँ, क्यों नहीं कर रहे हैं? काले कपड़े पे क्या कहेंगे, काला कपड़ा पहन कर आए हैं विपक्ष के लोग? अब जिनके काले मन होंगे तो काला कपड़ा पहनेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेकर आए वो लोग, हारना जबकि तय है, संख्या नहीं। वो तो पिछले भी लेकर के आए थे, और ये जनता में मैसेज जा रहा है, जो काम कर रहा है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना, पार्लियामेंट न चलने देना, ये जनता इनके उल्टा ही पड़ने वाला है। शुक्रिया। जो थोड़ा बहुत बचा खोचा वो भी जाने वाला है। शुक्रिया। ये थी साध्वी निरंजन ज्योति, इनका साफ कहना है कि विपक्ष के काले कारनामे जनता जानती है और काले कपड़े पहनकर उसको छुपा नहीं सकते, और 24 का परिणाम जनता तय करेगी, इनकी हार तय है। कुमार गौरव, News 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।